हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, वो चार टॉपिक जिससे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो चार टॉपिक। उसके अलावा किसी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू करी है या रिविज़न कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि अब टाइम निकल गया है, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें पेपर वन के यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो दोस्तों, ये चार टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, आप अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमको पता है हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 2 मार्क का। तो आप देख सकते हैं 10 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर बन जाएंगे सिर्फ इन चार टॉपिक्स को पढ़ करके, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लीजिएगा, इन चार टॉपिक से हट के अगर कुछ पूछा गया हो तो फिर बात है, ठीक है। चलिए, तो और आपको ये बता दूं मैं कि उन टॉपिक्स का मेंशन इस आपके सिलेबस में, जो पेपर वन का जो सिलेबस है, उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है सिवाय एक टॉपिक के। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक बता देती हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक है दोस्तों, दैट इज द इफेक्टिव टीचिंग। ओके, इफेक्टिव टीचिंग। सेकेंड है इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक। थर्ड है आपका यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक। और फोर्थ है आपका हाइब्रिड लर्निंग। ये वो चारों टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, आप पिछले 2 साल के पेपर देख लें, अभी इन टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आप कह सकते हैं ट्रेंड में चल रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसमें से इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, ये पूरा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने पहले वीडियो बना दिया है इसके ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। हाइब्रिड लर्निंग भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो इसके पहले जब दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था तभी मैंने क्लास में पढ़ा दिया था। ये भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बचते हैं 2, इफेक्टिव टीचिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम। आज हम लोग इफेक्टिव टीचिंग पढ़ेंगे। इफेक्टिव टीचिंग में क्या, अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, पर इफेक्टिव टीचिंग ज़रूर पढ़िए। इफेक्टिव टीचिंग में हम आज डिटेल में क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज़ इफेक्टिव टीचिंग पहला पॉइंट, दूसरा इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव टीचर के क्या करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तीसरा इफेक्टिव क्लासरूम, ये 3 चीज़ें जो है इफेक्टिव टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको कवर करेंगे। कल मैं आपको इवेल्युएशन सिस्टम बताऊंगी, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो इवेल्युएशन सिस्टम के ऊपर होगा। बहुत सारे इवेल्युएशन सिस्टम होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया रेफरेंस, और आपका समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ये सब बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। पर फिलहाल आज इफेक्टिव टीचिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जैसा मैंने बताया आपको कि ये तो पहला टॉपिक हमारा इफेक्टिव टीचिंग, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स ये कवर करेगा फर्स्ट यूनिट से। इफेक्टिव टीचिंग क्या है, पहले हम लोग इसमें डेफिनेशन देखेंगे, फिर टीचर के इफेक्टिव टीचर के करेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव टीचिंग जहाँ होती है उस क्लासरूम के क्या करेक्टरिस्टिक हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इफेक्टिव टीचिंग क्या है। इफेक्टिव टीचिंग इज द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। जब अलग अलग क्षमता के बच्चों को कोई टीचर टीचिंग करता है या इंस्ट्रक्ट करता है, तो वो टीचिंग क्या कहलाती है, इफेक्टिव टीचिंग कहलाती है। यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग को एक क्षमता की तरह बताया गया है, ठीक है। मतलब कि किसी टीचर की वो क्षमता जिसमें वो अलग अलग स्टूडेंट जिनकी क्षमताएं भी अलग अलग है, उनको पढ़ा सकता है एक साथ, वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव टीचिंग कहलाता है। अब देखिए,
इफेक्टिव टीच इसको इफेक्टिव टीचिंग क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टीचर जब अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को पढ़ाता है तो वो पढ़ाने के अलग अलग तरीकों को ढूंढता है। वो जब पढ़ाता है तो वो अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देता है, अलग अलग लेवल के एग्जाम्पल देता है। इसलिए उस टीचर की टीचिंग को क्या कहा जा रहा है? इफेक्टिव टीचिंग। क्योंकि वो स्लो लर्नर से लेकर के हायर थिंकिंग ऑर्डर का जो लर्नर है उस तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई इफ़ेक्टिव टीचिंग की। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग अगर कोई टीचर कर रहा है, कब होगी इफ़ेक्टिव टीचिंग, कब होगी ये समझना ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव टीचिंग कब होगी? कोई टीचर इफ़ेक्टिव टीचिंग कब कर सकता है? जब उसे प्रोफेशनल नॉलेज हो और स्किल्स हो उसमें। ठीक है, पहली बात प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल होना मतलब क्या? टीचिंग किस तरीके से की जाती है उस चीज़ का प्रोफेशनल नॉलेज अगर किसी टीचर को है तभी वो इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाएगा। नॉलेज हो प्लस स्किल्स हो। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना है, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ करे, कब इवेल्युएशन करना है कब नहीं, मेथड ऑफ इवेल्युएशन कौन सी यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स में। इसके बाद और क्या ज़रूरी है अगर इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है तो? इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए टीचर में कमिटमेंट कमिटमेंट एंड मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझे ज़रा, कमिटमेंट और मोटिवेशन का यहाँ क्या लेना देना है? कमिटमेंट, जब तक टीचर कमिटेड नहीं होगा कि जो भाई मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा कि आगे की लाइन के चार बच्चे सीख गए बहुत है इतना, तो वो कमिटमेंट नहीं हुआ। जो इफ़ेक्टिव टीचर होता है वो ये सोच करके जाता है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक बच्चे तक पहुँचेगा, ब्राइट स्टूडेंट से लेकर के एवरेज टू डल स्टूडेंट। ठीक है, तो कमिटमेंट होना ज़रूरी है। कमिटमेंट होगा तभी टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ कर पाएगा। अगर कमिटेड नहीं है तो चार बच्चे सीख गए दैट इज़ इनफ फॉर द नॉर्मल टीचर, पर इफ़ेक्टिव टीचर के लिए ये बात लागू नहीं होती। प्लस मोटिवेशन, सपोज़ कीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं और कुछ बच्चे उसको नहीं समझ पा रहे, तो क्या होगा? आप थक के हार के बैठ जाएंगे क्या? नहीं। अगर आप एक इफ़ेक्टिव टीचर हैं तो आप में मोटिवेशन होगा, आप अलग अलग तरीके लेकर के आएंगे जिससे कि आप उन बच्चों को पढ़ा सके। कई बार टीचर का भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है और स्टूडेंट का भी, तो इफ़ेक्टिव टीचर क्या करता है? सेल्फ मोटिवेटेड भी रहता है और लर्नर्स को भी मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये अब इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए एक टीचर में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ़ेक्टिव टीचिंग का। तो चलिए अब वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं कि एक इफ़ेक्टिव टीचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इफेक्टिव टीचर के क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और आप 2019 का पेपर उठा करके देख सकते हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग और इफ़ेक्टिव टीचर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए फ़िलहाल देखते हैं हम लोग, ह्यूमनिस्टिक इन नेचर। इफ़ेक्टिव टीचर इज़ ह्यूमनिस्टिक इन नेचर, मतलब उनमें मानवीयता ज़्यादा होती है। ठीक है, मानवीयता ज़्यादा होना मतलब दूसरे की तकलीफ़ समझना, वो किस सिचुएशन में है उसको फील कर पाना। ठीक है, तो मानवीय नेचर के होते हैं इफ़ेक्टिव टीचर। ठीक है, उनके लिए स्टूडेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू करिकुलम। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं दैट स्टूडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इफ़ेक्टिव टीचर रैदर देन करिकुलम। करिकुलम इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचर। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिकेट विथ वॉर्म्थ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी टू स्टूडेंट। जब भी वो कम्युनिकेट करते हैं तो बड़े मतलब वॉर्म्थ होगी, मतलब कि गर्मजोशी से बात करेंगे, बिल्कुल आपसे हंसते मुस्कुराते हुए खिल के एकदम अंडरस्टैंड करेंगे आपकी बातों को। एंड एम्पैथी टू स्टूडेंट, अगर कोई एम्पैथी मतलब क्या, किसी दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, उसको अपनी
उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख करके फिर प्रॉब्लम को समझना, दैट इज़ द एम्पैथी। तो इस तरीके से एक इफेक्टिव टीचर कम्युनिकेट करता है, उनकी कम्युनिकेशन में वॉर्म्थ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और एम्पैथी होती है। नाउ जनरेट्स एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग इन क्लासरूम। बातें ऐसी करेंगे आपसे कि बिल्कुल पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं क्लासरूम में, मतलब एंथुसियाज्म आपके अंदर जोश भर देंगे क्लासरूम में लर्निंग के लिए, ठीक है। तो जनरेट्स एंथुसियाज्म। नेक्स्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिलीव हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्नर। तो इन इफेक्टिव टीचर में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड और उनके बिलीव्स इतने पॉजिटिव होते हैं और उनका इन पॉजिटिव एटीट्यूड का बच्चों जो लर्नर हैं उनके ऊपर बहुत पावरफुल इम्पैक्ट रहता है कि वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। नाउ हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव टीचर के कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या? प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी, मतलब बहुत नपी तुली भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट टर्म्स को यूज़ करेंगे। कनेक्टेड डिस्कोर्स, मतलब कि जो भी बात आपको आपसे करेंगे या कुछ समझाने के लिए एग्जांपल देंगे तो आपको लगेगा कि अरे बिल्कुल कनेक्टेड, या तो मुझसे कनेक्टेड या सिचुएशन से कनेक्टेड एग्जांपल इन्होंने दिया है। कॉन्ग्रुएंट वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उनके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि उपयुक्त, ठीक है। तो जैसे सिचुएशन है उससे उपयुक्त वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर उनके रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है वैल्यू पीपल एंड एक्सेप्ट देयर ओपिनियन। बच्चे इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके ओपिनियन को ये जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे हमने बात करी थी अभी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के तो कोई टीचर इफेक्टिव टीचिंग क्या टीचिंग तक नहीं कर सकता। फिर है वेरी गुड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इफेक्टिव टीचर है वेरी गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। कल ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था इफेक्टिव क्लासरूम की क्या क्या, या इफेक्टिव टीचर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। तो वहाँ पर हमने देखा था मिसबिहेवियर प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर देते हैं विदाउट डिस्टरप्टिंग द क्लास, एक क्वेश्चन था वहाँ पर, एक ऑप्शन था इससे रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं इफेक्टिव टीचर्स आर, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हाँ ठीक है, डेमोक्रेटिक होते हैं नेचर में, ये भी आप नोट कर सकते हैं, दे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक हो जाता है, दे कॉन्स्टेंटली अपडेट देमसेल्फ, कॉन्स्टेंटली अपडेट। किस तरीके से अपडेट करेंगे अपने आप को? ये अपने आप को अपडेट करते हैं बाय सेल्फ एनालिसिस एंड बाय लर्नर्स फीडबैक, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पीपल के ओपिनियन को ये एक्सेप्ट करते हैं, तो फीडबैक के सेंस में भी ये लर्नर्स की ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोई एक इफेक्टिव टीचर क्या होता है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ठीक है, करिकुलम मेकर, ये सब भी एक कह सकते हैं आप एक इफेक्टिव टीचर के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इफेक्टिव टीचर के कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव क्लासरूम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं एक इफेक्टिव क्लासरूम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहली बात तो एक इफेक्टिव क्लासरूम में एक इफेक्टिव टीचर होगा। इसके अलावा वह उस क्लासरूम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वन बाय वन ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि एक इफेक्टिव क्लासरूम एक ओपन क्लासरूम होता है। ओपन क्लासरूम से यहाँ मतलब है यहाँ पर जो टीचर है वो इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब कि सिर्फ इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देना उसका काम नहीं है, बच्चों की मदद करना, उनको गाइड करना, ये एक ओपन क्लासरूम में टीचर का काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है, टीचर इंकरेजेस अ हेल्दी एंड म्यूचुअल पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। कोई क्लासरूम इफेक्टिव, कोई क्लासरूम का इन्वायरमेंट इफेक्टिव क्लासरूम तभी होगा वो जब
टीचर और लर्नर के बीच में जो होगा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। अगर वन वे कम्युनिकेशन हुआ, इंटरेक्शन ना हो करके वन वे कम्युनिकेशन अगर हो गया, तो क्या होगा, बस बच्चे टीचर की बात सुनते रह जाएंगे, ठीक है। जबकि इफेक्टिव क्लासरूम में क्या है, दोनों का इंटरेक्शन होता है और टीचर इस चीज़ को इनकरेज करता है, जो बच्चा नहीं भी बोलना चाह रहा है तो उसको उठा करके भाई कुछ ना कुछ ऐसी बात करना कि वो बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, लर्नर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इफेक्टिव क्लासरूम, ये आपको ध्यान रखना है। इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, इफेक्टिव क्लासरूम जो होता है उसमें जो मेन एम होता है, जो इम्फेसिस जिस चीज़ पर होता है वो किस पर होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, हर क्षेत्र में बच्चे का विकास हो। कौन कौन से, तीन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ठीक है, ना कि सिर्फ एग्जाम पास करना, ठीक है। तो डेवलपमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है इनकरेज स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फलेसनेस एंड क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। तो जो एक इफेक्टिव क्लासरूम है उसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ से बच्चों में कॉपरेशन की भावना आए, है ना, एक दूसरे को सामंजस्य से बिठा करके चलना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हो बच्चों में, सेल्फलेसनेस, सिर्फ मतलबीपन, अपने पर ध्यान ना दे वो, और क्रिएटिविटी को इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये चार मेजर पॉइंट हो गए। लर्निंग इज जॉयफुल एंड एम्ड एट इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर। तो इफेक्टिव क्लासरूम में जो लर्निंग होती है वो जॉयफुल होती है, हंसी मजाक बढ़िया चलता रहता है वहाँ पर, है ना, बच्चों का मन लगा रहता है और लर्निंग भी साथ में होती रहती है। और मेन एम साथ में और क्या रहता है कि जो लर्नर है उसकी कैपेसिटीज़, कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ उसकी बढ़ती रहे, ठीक है, क्षमताओं में इम्प्रूवमेंट आता रहे उसकी। पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड देयर ओपिनियंस आर वैल्यूड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक इफेक्टिव टीचर जो है अपने पीपल्स या अपने लर्नर्स को वैल्यू करता है और उनकी ओपिनियन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो इसी के साथ हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पेपर वन के यूनिट वन का, जिसका मेंशन भी नहीं किया गया है पर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिव टीचिंग से, तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकते थे इफ़ेक्टिव टीचिंग के, यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया है अभी, दैट इज़ द इवेल्युएशन सिस्टम, उसको मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।